नमस्कार, आज मैं आपको रिव्यू दूंगी प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर के 8 ply वूल का। आई थिंक ये उनकी अपनी खुद की एक्वायर्ड वूल है और अभी रिसेंटली मिलने शुरू हुई है। आई थिंक जनवरी या फेब्रुअरी 21 से शुरू हुई है। तो दे हैव 3 ply, 4 ply एंड 8 ply। तो उनकी या तो खुद बना रहे हैं, लोकली सोर्स्ड है, पर ब्रांड इज़ प्रधान का ओन एंड इसीलिए थोड़ा चीपर भी है। उसकी प्राइस इज़ 60 rupees पर बॉल। आई बॉट अ फ्यू कलर्स, 4-5 लिए मैंने। तो यू कैन सी जस्ट नॉर्मल बॉल बना के दे रहे हैं। वैसे नॉर्मली लच्छे देते हैं, उसकी बजाय वी आर गेटिंग देम इन नाइस फॉर्म ऑफ अ बॉल। वन बॉल इज़ अबाउट 75 grams अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट एंड काफ़ी सारे कलर्स हैं इन बोथ 3 ply, 4 ply एंड 8 ply डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। सो मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए था जिसके लिए मैंने 8 ply लिया एंड 8 ply इज़ लाइक पहली बार लिया है। सो आई थॉट अदर्स माइट बी इंटरेस्टेड। सो इट्स अ 8 ply है, तो इट्स अ थिकर वूल एंड टू शो यू द साइज मैंने इसको स्केल पे इसके टर्न्स लिए हैं एंड इफ यू सी मैंने काउंट कर लिया पहले से, 16 टर्न्स हैं, 16 रैप्स आर इक्वल टू 3 inches। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ थिक द वूल इज़। एंड अगर हम लोग सेंटीमीटर्स में लें, सो आई वुड से इफ आई हैड टेकन द 17th रैप अराउंड, तो ये 4 centimeter हो जाता। इट वुड हैव रीच्ड 14, सो इट वुड हैव बीन 4 centimeters। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं हाउ थिक द वूल इज़। सो दैट इज़ एन आइडिया ऑफ द वूल। मैं जो यू बना रही हूँ थोड़ा टाइटली बना रही हूँ, सो आई एम यूजिंग 4.5 क्रोशे हुक, पर आई थिंक आप जो हैं 5.5 भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। और अगर आप निटिंग नीडल्स यूज़ कर रहे हैं तो आई गेस 7 वुड बी गुड, और इवन यू कैन और भी यू कैन गो अप टू 6 ऑल्सो। सो बिकॉज इट्स अ वेरी थिक वूल एंड इट्स एक्रिलिक, तो एक्रिलिक वूल है तो इट्स not a natural fiber and it's soft, it's okay, it's aisa badhiya hai, aisa it's not like ki rough hai, yeah, it's a good feel of the wool, achhi soft hai. The only main disadvantage I found in the balls is ki once you start using to towards the end aapko thode pieces milenge, cut pieces और छोटे छोटे साइज के एंड में, मतलब इट्स लाइक इनसाइड द बॉल, इन द एंड यू माइट गेट 1 piece और 2 piece। आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ी मतलब 1 piece तक होता है तो चलता है, 2 pieces पे आके थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि भाई ये फिर से टूटा हुआ है। बट या इट्स अ गुड वूल, इट्स अ गुड प्राइस्ड वूल, तो देर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज देयर। देयर वेबसाइट इटसेल्फ सेज कि भाई 2 to 4 knots हो सकती हैं, तो except for that irritation, it's a very nice wool. It's nice and soft and lightweight and easy to use. And what am I making is granny squares, इस तरह के बना रही हूँ मैं, और इनको इट्स अ पर्सनल प्रोजेक्ट बना के जोड़ के एम ग्रैनी स्क्वेयर जैकेट एंड आई यू चोज दिस वूल क्योंकि एक तो ये थोड़ी वो होगी थिक, सो जल्दी बन जाएगा एंड ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा क्योंकि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट लाइक अ जैकेट एंड आई रियली वॉन्टेड टू मेक। नेट पे पिक्चर्स देख देख के बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो रखी थी कि भाई I want one and 8 ply seemed like a very good option ki jaldi se ban jayega aur lightweight bhi hoga and
I found the colors also that I liked. Abhi it remains to be seen ki main eventually jacket kaisi banti hai, but I'm enjoying the project. What you can do is with this wool, because it's very thick wool, I mean not very very, but 8 ply hai, so you can make jacket, you can make a cushion cover, you can use it for a thick baby blanket, purse, handbags, is tarah coasters, is matlab, lekin jo bhi projects honge, aapko ye dhyan dena hai ki they are not going to be a very fine wale, matlab jo aap chahte ho ki jaldi se ban jaye, thoda mota mota sa हो, लेकिन आप मान तो बहुत डेलिकेट चाहते हो, तो ऑब्वियसली डेलिकेट चीज़ें, डेलिकेट लुकिंग चीज़ों के लिए आपको 3 ply या 4 ply यूज़ करना चाहिए. पर आपको ऐसे, जैसे मान लीजिए आप इसको कोस्टर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये मोटा मोटा सा ऐसा सुंदर, ये भी लगता है सुंदर कोस्टर बनाना है, तो यू कैन यूज़ इट, ये जल्दी बन जाएगा. लेकिन अगर आपको थिन डेलिकेट पसंद है, तो आप 3 ply 4 ply पर ही स्टिक करें. सो दैट्स इट अबाउट माई रिव्यू ऑन प्रधान एम्ब्रॉयडरी का एक्रेलिक वूल, विच इज़ 8 ply. एंड आई होप कि आप जो ख़रीदने की सोच रहे हैं, आपको इससे कुछ हेल्प मिले, हेल्प्स यू टू नो कि आपके काम की वूल है या नहीं है. एंड दैट्स इट, थैंक यू.